दोस्तों, कहा जाता है कि हमारी इस दुनिया में बहुत सारी इवल एंटिटीज रहती हैं। कुछ ऐसी हैं जो इंसानों का पीछा करने लगती हैं, और जब पीछा करती है ना, मरने के बाद भी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती। ऐसी कई एंटिटीज की कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा डरा सकती है, क्योंकि ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है, और जब मैंने भी इस कहानी को पढ़ा था, इसके अंत ने मुझे भी चकरा कर रख दिया था। और आज भी यार, इस कहानी से सच में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब मुझे लगा कि मैं अगर इस कहानी को पढ़कर इतना ज़्यादा डरा, तो आपको भी डराना चाहिए। इसीलिए मैं ये कहानी आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, सीधा इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी है बरेली शहर के रहने वाले मनोहर की। लगभग 20 से 22 साल पहले, उस समय मनोहर की उम्र 40 साल थी, वो अपनी मिठाई की दुकान चलाया करते। और जो मनोहर के पिता थे ना, वो 70 साल के थे उस समय। वो थोड़े बूढ़े हो गए थे, दुकान पर कम आया करते थे। इस दुकान की जो शुरुआत थी ना, वो मनोहर के पिता ने की थी। लेकिन अब मनोहर के पिता थोड़े बीमार रहा करते बूढ़े होने के कारण, तो शाम को 5 बजे वो दुकान से छुट्टी कर लिया करते और पब्लिक पार्क में अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठे रहते। जो मनोहर था वो भी अपने पिता को परेशान नहीं किया करता कि अब उनके घूमने फिरने का समय है, भगवान की भक्ति करने का समय है, तो घूमने दो, बहुत काम कर लिया पिताजी ने। अब जो मनोहर के पिता थे, वो अपने दोस्तों के साथ कई ऐसी जगह पर घूमने जाया करते, कोई धार्मिक जगह, कोई मज़ार। एक बार शाम को लगभग 7:30 बजे मनोहर के पिता घर आए, बहुत सारा सामान लेकर आए। मनोहर ने पूछा, आप कहाँ गए थे? मनोहर के पिता ने बताया कि आज उन्हें बहुत अजीब चीज़ देखने को मिली, वो एक मज़ार पर गए थे। अब मनोहर के पिता के एक दोस्त थे, उनकी पत्नी जैसे कुछ दिनों से ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे उनके ऊपर कोई भूत का साया हो, भयानक सपने आ रहे थे, खाया पिया पच नहीं रहा था, हमेशा सर में दर्द रहता, उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती, जब नींद आती तो भयानक सपने आते, वो उठ जाती। इसीलिए मनोहर के पिता भी अपने दोस्त के साथ गए थे मज़ार पर कि दिखा कर आएंगे। मनोहर के पिता ने कहा, उस मज़ार पर तो पागलों की भीड़ लगी हुई थी, हर कोई सर घुमाए जा रहा, मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और वहाँ पर जब मनोहर के पिता उस मज़ार पर थे, उनके दोस्त की जो पत्नी, उनके ऊपर झाड़ फूँक की जा रही थी ना, सामने से वो बाबा कहने लगे कि कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आएंगी। तो मनोहर के पिता कहने लगे, चारों तरफ पागल भरे पड़े थे, सर हिला रहे, तब आवाज़ें तो वो लगाएंगे ना, पीछे मुड़कर देखने से क्या हो जाएगा। मनोहर ने कहा, तो क्या हुआ, आगे क्या हुआ? तो मनोहर के पिता ने कहा, वहाँ झाड़फूँक हो गई, अब मेरे दोस्त की बीवी बिल्कुल ठीक सी हो गई थी, हम बाहर की तरफ आने लगे, अब पीछे से आवाज़ें लगा रहे, मुझे लगा किसी ने मेरा भी नाम लिया, पागल तो भरे पड़े थे, मैंने पीछे मुड़कर देखा, कौन है, कोई जान पहचान वाला तो नहीं, बाबा की बात सुनकर मैं पीछे मुड़कर देखूं ही ना, कोई दोस्त मुझे आवाज़ें लगाता रह जाए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई जान पहचान वाला था नहीं, किसी ने किसी और को आवाज़ लगाई होगी, मेरे जैसा नाम बाकियों का भी तो हो ही सकता है। मनोहर भी हंसने लगा, ऐसी मज़ार पर हमें नहीं जाना चाहिए, ऐसी झाड़ फूंक किसी भी जगह पर, मंदिर पर कहीं होती है, हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। ना इस पर मनोहर यकीन करता था, ना मनोहर के पिता यकीन करते थे। लेकिन उस रात जो मनोहर के पिता थे ना, बहुत ज़्यादा डरे थे, भयानक भयानक उन्हें भी सपने आए थे, लेकिन दोनों मानने का नाम नहीं ले रहे, नहीं नहीं किसी भूत प्रेत का साया नहीं हो सकता, ये तो भयानक सपने हैं। अब सपनों में उन्हें एक औरत नजर आ रही थी, काले कपड़ों में औरत, जो उनके गले को दबाने की कोशिश करती, बार बार मनोहर के पिता उठ जाते, सांस जैसे रुकने लगती, उन्हें लग रहा था सांस लेने में परेशानी हो रही है। 1-2 हफ्ते तक वो डॉक्टरों के चक्कर काटते रहे, मनोहर के पिता की सेहत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, इसीलिए वो दवाई लेने के लिए गए, भूत प्रेत का चक्कर उनके दिमाग में कभी आया ही नहीं। अब जो मनोहर के पिता, वो अपने कमरे में अलग से रहा करते थे, रात को बार बार उठा करते, अब नींद उन्हें आया नहीं करती। अगले 5 महीनों तक उनकी सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, वो कहने लगे थे कि उन्हें भ्रम होने लगे हैं, जैसे कमरे में कोई लड़की मौजूद हो काले कपड़ों में। ना तो मनोहर ने कभी सोचा, ना मनोहर की बीवी ने, बच्चों ने, किसी ने सोचा कि यह भूत प्रेत का साया हो सकता है। 6 महीने बाद मनोहर के पिता की मौत हो गई। घर में शोक का माहौल था, हर कोई कह रहा था कि उनकी सेहत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, पलंग से लेटे रहते थे लेकिन किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरा करते थे। कई बूढ़े बुजुर्ग कह रहे थे कि बुढ़ापे में ऐसे भ्रम होने लगते हैं। मनोहर ने वो भूत वाली बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जो मनोहर के पिता के दोस्त थे ना, जो कि घर में आए थे, मनोहर को कह रहे थे, कहीं ये हमारी गलती के कारण तो नहीं हुआ, हम इन्हें मज़ार लेकर गए थे, वहाँ भूत प्रेत बहुत होते हैं। तब मनोहर ने अपने पिता के दोस्त को कहा कि देखिए, इसमें आपकी गलती नहीं है, आप वहाँ मेरे पिता को लेकर गए,
मेरे पिता वैसे भी घूमना फिरना पसंद किया करते थे, मंदिर में मजार में बहुत जाया करते थे। आप लेकर गए, ऐसे कोई बात नहीं है। भूत प्रेत पर हम यकीन नहीं करते, आप खुद को दोष मत दीजिए। अब मनोहर के पिता के जो दोस्त थे ना, बार बार कहे जा रहे, आप ऐसा पहले कर सकते थे, काश मुझे पता होता, ये पार्क में नहीं आते। मनोहर ने बहुत समझाया, इस बात को माना नहीं। उसके बाद मनोहर के पिता का अंतिम संस्कार हुआ, उनकी अस्थियों को विसर्जित अब हरिद्वार में किया जाना था। तो पांचवें दिन वो हरिद्वार की तरफ जा रहे, लेकिन उन पांच दिनों में वो जो उनकी अस्थियां थी ना लोटे में रखी हुई, वो मनोहर के पिता की उसी कमरे के अंदर रखी हुई, और रात को बार बार जैसे चीजें गिर रही थी उस कमरे की। मनोहर को उस समय भी शक नहीं हुआ, ऊपर एक रोशनदान था जो हमेशा खुला रहता था। मनोहर के जो पिता थे ना, वो रोशनदान को हमेशा खुला ही रखते थे, तो उन्हें लगा कोई बिल्ली आ रही होगी या कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। उन्होंने बिल्कुल शक नहीं किया कोई भूतिया घटना हो सकती है। पांचवें दिन जो मनोहर थे ना, वो उस लोटे को लेकर अकेले ही हरिद्वार जा रहे थे। ज्यादातर रिश्तेदार जो थे उनसे थोड़ा झगड़ा था, इसीलिए साथ में कोई गया नहीं। मनोहर ने अपने दोस्तों को भी कह दिया कि सब व्यापारी हैं तो मैं अकेला जाऊंगा। मनोहर की पत्नी भी साथ नहीं गई। मनोहर अकेला उस लोटे को लेकर हरिद्वार की तरफ गया था बस का सफर करके। रात को सब कह रहे थे, जैसे कि बताया जाता है कि जब लोटे को हरिद्वार में लेकर जाओ गंगा में विसर्जित करने के लिए, कुछ भी खाना है कुछ भी पीना है तो दो लेने हैं। यानी कि वो जो लोटा है ना, उसमें जो भी आपका रिश्तेदार हो, मान लेना है कि वो अभी जिंदा है, उसके लिए भी एक तरफ चाय रोटी रखनी जरूर है, ऐसा ना हो कि उसके मन की तृप्ति ना हो। ये बातों पर भरोसा नहीं करता था मनोहर, लेकिन फिर भी चलो पिताजी की मौत हुई है, लोग कहते हैं मानते हैं तो शायद ऐसा करना चाहिए। मनोहर ने चाय ली, एक तरफ बैठा हुआ। रात के लगभग 9 बजे का वक्त था, उसने सोचा था सुबह मैं पहुंच जाऊंगा, सुबह अस्थियां गंगा में विसर्जित हो जाएंगी। 9:30 बजे चाय एक तरफ रखी, एक तरफ चाय खुद पी रहा। अब तक जो ब्रेड पकौड़े वगैरह था वो आना था, चाय पहले आ गए। अपनी चाय उठाई, दूर दूर तक कोई नहीं था उस बस स्टैंड पर। जैसे ही उसने चाय उठाई, दूसरी तरफ पड़ी हुई वो चाय अपने आप नीचे गिर गई, उसका हाथ बहुत ज्यादा दूर। तब उसे शक हुआ, ये कैसे हो सकता है, अपने आप चाय कैसे गिर गई, जैसे किसी ने धक्का दिया हो, ग्लास भी नीचे टूट गया था। उसके बाद अब मनोहर को लगा कोई बात नहीं, दुकानदार का नुकसान मैंने किया है ना, मैं ज्यादा रुपए दे दूंगा, ग्लास के रुपए भी उसे दे दूंगा, कह दूंगा मुझसे गलती हो गई। जैसे ही मनोहर चाय पी, उसने देखा कि ब्रेड पकौड़े आ गए हैं। जो वेटर था वहाँ देने के लिए आया था, उसने चाय के नीचे जो टूटा हुआ ग्लास गिरा था ना, उसे साफ किया, एक तरफ ले गया। बाद में जब पेमेंट की बारी आई, मनोहर गया उस दुकान के पास और कहने लगा, देखे भाई साहब माफ़ कीजिए, वो ग्लास मुझसे थोड़ा टूट गया तो मैं आपको रुपए दे देता हूँ। तब वो दुकान का मालिक कहने लगा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, यहाँ ये आम बात है। मनोहर कहने लगा, देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने गिराया है, मैंने तोड़ा है, इसमें मेरी गलती नहीं है, जानबूझकर नहीं किया, अपने आप हाथ लगा गिर गया होगा। दुकानदार ने कहा, अरे मैं कौन सा कह रहा हूँ कि ये आपकी गलती है, आपने दो ग्लास लिए ना, आप अकेले हैं ना, आपने लोटा पकड़ा है, गंगा जी में विसर्जित करना है ना अपने किसी परिवार वाले की इन अस्थियों को। तो मनोहर ने कहा, जी बिल्कुल। वो कहने लगा, दो ग्लास लिए थे ना, जिसके लिए वो ग्लास था शायद उसने गिरा दिया, उसे पसंद नहीं होगा। मनोहर हैरान हो गया, ये मैंने अपने पिताजी के लिए लिया था, पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। उसने कहा, जिसकी मृत्यु होती है ना, जब तक अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित ना किया जाए, वो आपके आसपास ही होता है। मनोहर ने पहली बार महसूस किया, कहीं ये सच तो नहीं। मनोहर ने दोबारा एक और ग्लास लिया चाय का, देखो तो सही उसकी बात सच है या नहीं। ग्लास रखा, दूसरी तरफ अपना ग्लास रखा, जैसे ही पीने लगा उसका ध्यान उस ग्लास की तरफ था। उसने ध्यान दिया उसके हाथ वाला ग्लास, जो कि उसने जोर से पकड़ रखा, किसी ने जैसे खींच कर नीचे गिरा दिया हो। वो ग्लास तो सही था, हाथ वाला नीचे गिर गया। जो मनोहर था हक्का बक्का और हैरान, अब उसे लगने लगा था कहीं वो दुकानदार की बात सच्ची तो नहीं, ऐसा तो नहीं है किसी ने गिराया है, मुझसे ही तो गिरा है, दूसरी बार ग्लास टूट गया। दुकानदार से कुछ बात की और दुकानदार कहने लगा, ऐसा होता ही रहता है, गंगा जी में जब भी कोई अस्थियां विसर्जित करने के लिए यहां रुकता है, मैंने कई बार ऐसी घटना देखी है, आपके साथ तो 2 बार हो गई। मनोहर काफी ज्यादा हैरान था। अब वो जो अस्थियां थी ना, उसे लेकर वो बस में बैठा हुआ, उसके साथ में एक आदमी बैठा। जहां पर भी मोड़ आता, वो जो पास वाला आदमी था ना, वो गिर जाता। अब जो मनोहर था वो अस्थियों को पकड़े हुए, रात का वक्त था तो
आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद तो होती है ना। जहां पर मोड़ आता, जो मनोहर था उसका सर पास वाले जैसे पोल से ऐसे टकराता बहुत जोर से, नीचे बैग रखा हुआ। अब उसने बैग रख लिया कि मेरा सर यहां ना टकराए। जैसे बार बार थोड़ी नींद आती, दोबारा उसे नींद आई, फिर उसका सर वो पाइप से टकराया। उसने देखा वो बैग अपने आप नीचे खिसक चुका था, एक तरफ निशान ही बन गया। उसने सोचा कि यार ऐसे तो मैं सो नहीं पाऊंगा, जख्म बहुत ज्यादा हो जाएगा। जहां मोड़ आता है सर ऐसे पाइप से टकरा जाता है। इससे पहले भी मैं बस में बहुत बार सोया हूं, ऐसे बार बार जख्म नहीं होते। मनोहर को कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर मनोहर बार बार उन अस्थियों को देखता जा रहा। इससे पहले उसने इन चीजों पर यकीन नहीं किया था, अब उसे इन चीजों पर यकीन होने लगा था। तो मनोहर सोचने लगा कहीं ये बातें सच तो नहीं। उसने वो लोटा पकड़ा हुआ, लोटे की तरफ देखता जा रहा देखता जा रहा। अचानक उसे लगा जैसे वो लोटा हाथ में फट गया हो, वो स्टील का लोटा था ऐसे फट गया हो, और एकदम से उसकी नींद खुली। उसे सपना आया था बिल्कुल असली जैसा, लोटा उसके हाथ में। वहां भी वो बहुत डरा। फिर जैसे ही उसने आंखें बंद की, कुछ समय बाद जैसे नींद आई, आधी रात का वक्त था, उसे सपना आया लोटा उसके हाथ में, बिल्कुल जैसे वो नींद में ना हो बल्कि ये सच देख रहा हो। नीचे एक औरत काले कपड़े में उसकी तरफ घूर रही, जैसे लोटा उसने ऐसे पकड़ा हुआ, उस औरत ने भी नीचे से ऐसे पकड़ा। ऐसा लग रहा था वो औरत मौजूद हो वहां पर। अचानक झटके से उसकी नींद खुली, दो तीन बार और नींद आई। वो औरत उसे अब नजर आने लगी थी उस लोटे को पकड़े हुए। मनोहर ने भी पकड़ा हुआ होता, उस औरत ने भी पकड़ा हुआ होता। फिर मनोहर अस्थियों को लेकर हरिद्वार में गया। वहां पर हरिद्वार में गंगा जी में उस अस्थियों को बहाया जाना था। वहां पर पुजारी जी से बात की, पूजा पाठ का काम हुआ। फिर मनोहर को बताया गया कि इस तरह से अस्थियों को बहाना है। जो पुजारी जी थे वो बता रहे कि ऐसे करना है। जैसे ही पुजारी जी ने लोटे को हाथ लगाया, पुजारी जी को लगा तगड़े वाला झटका, पुजारी जी गिर गए पीछे। फिर पुजारी जी कहने लगे, रुको अस्थियों को मत बहाओ, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। मनोहर ने कहा, क्या गड़बड़ लगती है, सारा काम तो हो गया, अब अस्थियों को बहाने का समय है। पुजारी जी ने कहा, मुझे ये बताओ इनकी मृत्यु कैसे हुई, मुझे पूरा जानना है। मनोहर ने पूरी बात बता दी। पुजारी जी ने कहा, ऐसे नहीं बीमार रहा करते थे, बुखार रहा करता था, पूरा सच बताओ, क्या घटा करता था इनके साथ, सपने आया करते थे बुरे, कहां से शुरुआत हुई। फिर मनोहर कहने लगा, पुजारी जी सच बात कह रहे हैं, सपने तो आया करते थे। पुजारी जी ने अब बताना शुरू किया कि ऐसा उसके साथ होता है जिस पर प्रेत बाधा होती है। प्रेत इनके ऊपर आया, मृत्यु का कारण बना, और वो प्रेत अब भी इनके साथ मौजूद है। मनोहर ने कहा, मुझे उस औरत के सपने आए हैं। पुजारी जी ने कहा, वो इस लोटे को पकड़े हुए है, इसीलिए किसी और को छूने नहीं दे रहा। यहां पर मैं पवित्र तौर पर तुम्हारी मदद करना चाहता था, महसूस कर लिया, पूजा करनी होगी, मैं एक रुपया नहीं लूंगा, तुम्हारी मदद करनी है। लेकिन अगर तुम पूजा पाठ नहीं करना चाहते तो ये जो भी है अस्थियों के बहने के बाद तुम्हारे साथ चली आएगी और तुम्हारे साथ भी वैसा ही करने की कोशिश करेगी। शायद उस मजार से जहां से भी इस बला को तुम लेकर आए हो, यहां गंगा नदी में इसे भी बहाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मनोहर ने वैसा ही किया। गंगा जी में कहते हैं सिर्फ अस्थियों को ही विसर्जित नहीं किया जाता, परेशानियों को भी विसर्जित किया जाता है, और वो बला को भी वहीं पर विसर्जित किया गया। उसके बाद मनोहर के साथ वैसी घटना नहीं घटी। लोटा सब कुछ वहीं वो छोड़ आए, पीछे मुड़कर उन्होंने देखा नहीं। पुजारी जी ने कहा था, कोई आवाज लगाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, ऐसी जगह बला आपका पीछा करती है। मनोहर जी वहां से वापस आ गए, उन्हें वैसा सपना कभी नहीं आया। घर में अब उस तरह कोई घटना नहीं घटी और मनोहर मानने लगा था ऐसी शक्तियां मौजूद हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपने भी सुना है कि जब भी गंगा नदी में कोई अस्थियों को विसर्जित करने जाया जाता है तो इस तरह खाने की चीजें एक्स्ट्रा ली जाती हैं, ताकि वो जो मृत व्यक्ति था उसको भी इज्जत दी जाए, भले ही वो खाए या ना खाए लेकिन इज्जत दी जाए। कहते हैं उसे महसूस होता है गंगा नदी में विसर्जित करने तक। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।